सब आपकी सहेली लोगों जश्न मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि वहाँ नया साल आया हुआ और आप यहाँ पर शहादत दिवस में आए, आपको कैसा लग रहा है वो बता दीजिए। महसूस हो रही है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपका गांव में या फिर आपके समाज में ही किसी का उस दिन किसी का अगर डेथ हुआ रहता या फिर वहाँ पर किसी का देहांत हुआ रहता। यहाँ कुछ लोग जो सेल्फी ले रहे हैं चल से उनसे बातें करते हैं, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा? जनवरी 1947 में जो शहीद हुए थे उन लोगों को नमन करने आए, उन लोगों को याद करने आए तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने आशा है कि आप लोग जो देख रहे हैं रोड के किनारे खड़े हैं, आप लोग आ रहे हैं वो क्या नो इनको रोक लगे। आप सभी को मेरा जोहार, मैं सुरेश मार्डी दिसुम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज जो कि 1 जनवरी 2024 को हर साल हर तरफ जश्न मनाया जाता है, लेकिन वही खारसावा के लोग इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन खारसावा गोलीकांड हुआ था जिसके तहत 30,000 से भी ज़्यादा आदिवासियों की मौत हो गई थी। तो यहां पर आप जनसैलाब देख सकते हैं, कैमरा में दिखाइए यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और अपनी पारंपरिक ड्रेस वेशभूषा ये पहनकर आदिवासियों को इनको सत सत नमन करते हैं और साथ में श्रद्धांजलि देते हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं वे यहाँ आकर क्या नई चीज़ सीखने को मिले और वे क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे। बोलने में शर्माना नहीं है, बोलिए आपको कैसे लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके हम लोग को। सब आपकी सहेली लोगों जश्न मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि वहाँ नया साल आया हुआ और आप यहाँ पर शहादत दिवस में आए, आपको कैसा लग रहा है वो बता दीजिए। कहाँ से आपका परिचय दे दीजिए? हम लोग संतारी से आए हैं। नाम? प्रिया जंको। चलो और लोगों से तो बने रहे मेरे साथ, लाइव आपको दिखाते हैं और लोगों से। चलिए अंकित से बातें करेंगे। चलिए भैया आपको यहाँ आकर कैसे लगा? आपको यहाँ आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सारे लोग आपके दोस्त सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे नया साल का, लेकिन आप आए हैं यहाँ पर शहादत दिवस मनाने, या आप क्यों आए हैं इनका थोड़ा? तो आपको कैसा लग रहा? हाँ यहाँ आके अच्छा लग रहा है। कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं जो घर में बैठे हुए हैं, मांस मच्छी आराम से खा रहे हैं, कुछ संदेश? नहीं पहली बार यहाँ आई है तो यह चाह रहे हैं। नहीं पहली बार आपका एक्सपीरियंस है तो आप दूसरों को देना चाहते हैं कि हम आए यहाँ आए क्या सीखे? ठीक है आपका परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम राकेश है। मैडम कहाँ से? राजनगर से। चलिए और हाँ तो आपसे जानना चाहते हैं अब यहाँ पर जनसैलाब देखकर कैसे लग रहा आपको? जनसैलाब देखकर एक तरफ से हम बोलेंगे कि आज तो 1 जनवरी है। हाँ। क्योंकि आज काला दिवस है, आदिवासी समाज आज का दिन को काला दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आज का दिन 1 जनवरी 1948 को यहाँ पे खारसावा गोलीकांड, पूरा इतिहास जानता है हर कोई कि अभी का डेट में एक सोशल मीडिया है, पहले के लोग शायद नहीं जानते थे, लेकिन अभी सोशल मीडिया जब से आ गया है
तब से यहाँ का इतिहास बहुत चारों तरफ फैल गया है, तो उस हिसाब से आज बहुत तादाद में यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो इस बात से मुझे खुशी होती है कि यहाँ लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, लेकिन दुखी इसलिए होता है कि आज के दिन कहीं कहीं पे जश्न का माहौल देखने को मिलता है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो जो घर में बैठे हुए हैं जश्न मना रहे होंगे जो इस दिन को, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मैसेज देना चाहते हैं कि 1 जनवरी का जो इतिहास है आपका गांव में या फिर आपके समाज में ही किसी का उस दिन किसी का अगर डेथ हुआ रहता या फिर वहां पर किसी का देहांत हुआ रहता और मातम का माहौल होता और आप बगल में क्या आप डीजे बजा के नाच करेंगे तो कैसे होगा। तो यही है कि आज का दिन अगर आप इतिहास को देखेंगे 1 और 2 जनवरी को काला दिवस मनाया जाता है, इस हिसाब से हमारे लिए जो पूर्वज ने अपना बलिदान दिया है उन्हें आज का दिन याद करना चाहिए, ना कि आप घर में बैठे जश्न मनाना चाहिए। जश्न मना सकते हैं आप किसी और रोज़ मनाइए, लेकिन आज के दिन अगर यहाँ आते हैं आप उन्हें सम्मान देते हैं, उसे श्रद्धांजलि देते हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा और समाज में भी अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है अनिल विकास बोदरा, आदिवासी हुआ समाज युवा महासभा कार्यशाला अनुमंडल अध्यक्ष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो बने रहे मेरे साथ, तो चलिए और लोगों से बातें करते हैं। यहाँ कुछ लोग जो सेल्फी ले रहे हैं चल से उनसे बातें करते हैं। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा? होते का जी पे तो होते का जी पे रासा गए। और क्या है एक्सपीरियंस? कैसे लग रहा है जो आपके दोस्त जब सेलिब्रेट कर रहे हैं नया साल और आप यहाँ आके शहादत दिवस मना रहे हैं, तो आपको भी कुछ अलग महसूस हो रहा है, तो क्या कैसे लग रहा है आप लोग? बोलिएगा, आप लोग बोलिए। नहीं बोलिएगा, बोलना होगा तब जाके होगा। चलिए तो चलिए अब मैडम से बात करते हैं कि वह यहाँ आकर क्या देखे क्या नहीं। तो चलिए, तो आप यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है यहाँ जन सैलाब देखकर? यहाँ आके मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि इतना संख्या में हम लोगों का जनसंख्या जो है इतने संख्या में आके और 1 जनवरी 1948 में जो शहीद हुए थे उन लोगों को नमन करने आए, उन लोगों को याद करने आए, तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख करके। और ऐसे आना चाहिए हम लोगों को कि क्योंकि हम लोगों के लिए ही, हम लोगों के लिए जो हम लोगों का झारखंड राज्य के लिए जो शहीदों ने मतलब कि 1 जनवरी 1948 को जो हम लोगों के लोगों हम लोगों के पूर्वज लोग जो शहीद हुए, तो उन लोगों की याद में हम लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए 1 जनवरी को। जो यहाँ पर मतलब 1 जनवरी को नया साल के रूप में जश्न मनाते हैं, यहाँ वहाँ पार्क जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो उन लोगों को जो घर में बैठे हुए उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं तो देखिए, जो 1 जनवरी को यहाँ वहाँ पिकनिक मना रहे हैं या घर में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि यहाँ आके सभी को यहाँ आना चाहिए और आके हमारे पूर्वजों को याद करना चाहिए जो हमारे लिए बलिदान दिए हैं, हमारे झारखंड के लिए बलिदान दिए हैं, तो उन लोगों को याद यहाँ आके ज़रूर याद करना चाहिए। हम लोगों के लिए ये तो पिकनिक तो नहीं है, आज के दिन हम लोगों का पिकनिक नहीं है, तो अंग्रेज ज़माना का लोगों का था, तो इसलिए पिकनिक नहीं, हम लोगों को यहाँ 1 जनवरी के दिन हमारे पूर्वजों को यहाँ आके याद करना चाहिए। ठीक है, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गीता रानी सोरेन है और हम भदवागुड़ा कांडरा से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। हाँ तो मैडम जी, सेल्फी ले लिए हैं तो कुछ जवाब दीजिएगा। आप कहाँ से? राजनगर। आज क्या दिन है? आज 1 जनवरी है। वो तो सभी जानते कैलेंडर में भी देख के, लेकिन आज वाकई जो यहाँ पर जन सैलाब लगा है, क्या दिन है होगा? क्या मतलब क्या बोल रहे हैं खरसवा, मतलब क्या इसका आज मतलब जो लोग हम लोगों के लिए क्या शहीद हुए हैं उन लोगों का आज मतलब क्या 1 जनवरी के दिवस पे हम लोग मनाया जाता है। मतलब क्या, मतलब वो सब क्या मनाया जाता है वो बताइए।
क्या उन लोगों का मतलब कि उन लोगों के लिए मतलब जो लोग मतलब हम लोगों के लिए मतलब डेट किए तो वही आज शहादत दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी जो कि 1948 को जो शहीद हुए थे। आप कुछ बोलिएगा, कुछ बोलिएगा, आपका परिचय दे दीजिए। चलिए बोले आए हैं यहाँ पर, इतना जन सैलाब है, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इधर कैमरा में देखिए, बहुत खुशी की बात है आए हैं श्रद्धांजलि देने। क्या करने, आज क्या दिन है? आज 1 जनवरी है, हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है, शहीद हुए हैं यहाँ पे। मतलब कौन शहीद हुए हैं? हम लोग का आदिवासी सब। तो जो मतलब आदिवासी लोगों जो अभी जश्न मना रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उन लोगों के भी आना चाहिए श्रद्धांजलि देने, दुख की बात है। उन लोगों को पिकनिक नहीं जाना चाहिए। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आरती सरदार है, हम चिल्कू से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप कहाँ से? हम लोग यहीं के हैं। यहीं के? हाँ, खरसों। आज क्या दिन है? सोमवार है, आज तो सोमवार दिन है। सोमवार दिन? हाँ। नहीं वैसे नहीं, आज क्या विशेष दिन है जो इतने सारे लोग आए हैं? आज बड़ा दिन है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है। बड़ा दिन है? हाँ। बड़ा दिन तो 25 दिसंबर को भी था, लेकिन आज क्या विशेष है? क्या विशेष दिन है? हम संथाली में बोल देंगे। ठीक है, संथाली में बोले, जिसमें कम्फर्टेबल हो। ले पे तह चे विशेष दिन करना जहाँ फोट जमा करना। आज देखिए शहादत दिवस है, 1 जनवरी को मनाया जाता है काला दिन के रूप में। आपको परिचय दे दीजिए। आतू तले दो उनते खेजुरदा और नोड़े तले खरसों को। चलिए बहुत मैडम सुनिए, आप कहाँ से? बोलिए बोलिए कुछ बोलना। कहाँ से आप? कोलमुरी। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पार्क घूमने के लिए। घूमने के लिए? तो बाकी सब लोग भी क्यों आए होंगे? वो लोग भी घूमने के लिए। घूमने के लिए? तो बाकी लोग तो पार्क उर्क जाते हैं, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि इधर कैमरा में देखिए, ये शहीद पार्क है ना, तो बहुत से लोग मतलब जैसे कि बुजुर्ग पहले के लोग। देखिए आज शहादत दिवस है जिसके तहत सबको यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। हाँ। इसीलिए आपका परिचय? नाम सत्य नहा का और गांव कोलबरोडी। तो आपको कैसे लग रहा है, आपको बताइए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ तो क्यों, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? जिसमें आप कंफर्टेबल है बोलिए। तो चलिए और लोगों से बातें करते हैं हम, तो बने रहे मेरे साथ लाइव। चलिए सुनिए मैडम, सुनिए आप कहाँ से? सरायकेला। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पता नहीं। नहीं पता है आपको? नहीं। तो बाकी सब लोग, इतने सारे जो लोग आए हों उनको क्या लगता है क्यों आए होंगे? नहीं जानते हैं बस। नहीं जानते हैं? नहीं। आपका परिचय दे दीजिए। परिचय, मेरा नाम है सरिता गुड़सरा, मैं सरायकेला से आई हूँ। अब सरायकेला के हैं फिर भी यहाँ नहीं जानते? आज देखिए शहादत दिवस है जो 30,000 से भी ज़्यादा आदिवासी लोग मारे गए थे। तो चलिए और लोगों से बातें करते हम, तो आपको क्या लगता है आज का युद्ध किस तरफ जा रहा है? लोगों से सवाल करने पर वे जानते भी नहीं है कि वे क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। आज 1 जनवरी के दौरान वो लोग मानते हैं कि आज नया साल है। तो आप कमेंट करके बताएं कि लोगों को, आज के युवा को क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जोहार। चलो।